देसी कलाकार। विजय जैन साहेबांचा आग्रह दिसतोय उखाण्याचा। ओ जैन साहेब, तुम्ही म्हणलात का उखाण्याचं? नमस्ते, मैं हूँ मौली, मैं नागपुर आई हूँ एक डांडिया शो के लिए। विजय जैन जी मुझे लेकर आए हैं, मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा उनके इतनी प्रोफेशनल डीलिंग से, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, इतनी इम्प्रेस्ड हूँ कि मैं उनको बोल चुकी हूँ कि मैं आप मेरे साथ बॉम्बे आ जाइए। और विजय जैन जी के बारे में मैं कुछ जितना भी कहूँ कि कमी है, ही इज अ रॉक स्टार, अ कंप्लीट पैकेज ऑफ सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। और मैं जिस आदमी के साथ काम कर रहा हूँ उसका भी नाम विजय है, विजय जैन, जो कि नागपुर के बहुत ही फेमस पर्सनलिटी है, आप जानते उन्हें। मैं क्या, मैं बॉम्बे की, इंडिया की सारी सेलिब्रिटी उनको जानती है, और मुझे भी मौका मिला है काम करने का कि चलो इनके साथ काम किया जाए। और आज बड़ा क्या बोलूं मैं, कंट्रोल यार, कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, आई एम, थोड़ा इंग्लिश हो गया, इंग्लिश वगैरह अभी जरा, मैं भी तरक्की कर रहा हूँ। मैं हूँ, पहचान लिया जी, हाँ, मैं हूँ राजीव श्रीवास्तव, और नागपुर में एक शो ऑर्गेनाइजर है, विजय जैन मेरे दोस्त भी हैं, उनके लिए मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे शोज किए। उनका इवेंट ग्रुप है मास्टर्स ग्रुप, तो उनके लिए कई बार बड़े बड़े सितारों के साथ मैंने कार्यक्रम किए। ही इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। और विजय जैन के लिए मैं ही कहूँगा, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा ने बंदे खुद पूछा अभी उतरेगा कैसे। नमस्कार, मैं हूँ अमोल, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। और आज के इस प्रोग्राम में एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ है। वैसे उस कलाकार की पहचान बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं, उसका नाम ही उसकी पहचान है। और आज हमारे साथ है विजय जैन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सर। विजय जी, मैं ये कहूँगा कि वो नाम है विजय जैन, जितने भी सेलिब्रिटी नागपुर में आते हैं, जितने लोगों को सेलिब्रिटीज चाहिए होते हैं, फिर आपकी शॉप की ओमनी हो, आपके घर में बर्थडे हो, आपके घर में वेडिंग हो, आप कोई लॉन्च करना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में कोई सेलिब्रिटी आता है तो सबसे पहले कोई नाम आता है तो वो आता है विजय जैन। एक बहुत लंबा समय इन्होंने इस इंडस्ट्री में बिताया है, और कई सारे बच्चे जो है वो इस क्षेत्र में आज आना भी चाहते होंगे, और कई सारे लोग विजय जी की कहानी भी जानना चाहते होंगे, तो इसीलिए आज हमने इन्हें खास अपने स्टूडियो में बुलाया। क्योंकि हमें जब भी इनसे मिलता हूँ तो बहुत सारे अलग अलग किस्से मुझे सुनाते हैं, और हमारा बड़ा मनोरंजन होता है जब हमारे पास समय होता है। तो विजय सर, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा, शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप इस क्षेत्र में आए? मैं आज से 25 ईयर पहले डांस करता था, और डांस में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, हर कॉम्पिटिशन्स में प्राइज मिलते थे। लाइक नागपुर में अभी भी उसमें से एक कंपटीशन शायद कंटिन्यू है, कॉटन मार्केट में सुभाष मंडल है, राइट? तो सुभाष जयंती 22 जनवरी 24 जनवरी वो लोग एक हफ्ता कंपटीशंस लेते हैं अलग अलग टाइप की, तो वहाँ के कंपटीशंस हो गई, रंगा सोनन करके है, और इसके अलावा अल्टरनेट बहुत सारे कंपटीशंस होती थी, तो वो कॉम्पिटिशन्स में मैं काफ़ी बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस टाइप के प्राइजेस लेता था। तो वो डांस थोड़ा सा बस गया, तो डांस बस गया तो उस समय ऐसे होता था कि कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो हम लोग शोज़ देखने जाते थे, तो शोज़ देखते थे तो उसमें जो बैक डांसर्स होते थे वो मोस्ट प्रॉब्ली 99% नहीं 101% बॉम्बे से ही आते थे, राइट? बराबर। तो फिर हम लोगों ने देखा कि उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है, सारे लोग वो डांसर्स को प्रॉपर ग्रीन रूम दे रहे हैं, और हमारे ही शहर के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स थे उस समय के, जो बड़े कॉन्सर्ट करते थे, तो उनको फैसिलिटी मिलती थी, तो थोड़ा सा जहन में ये आया कि ये हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, मतलब हम यहाँ के होके हमको इतनी फैसिलिटीज नहीं, अच्छे रूम, अच्छी, मतलब बेसिकली उस समय डांस ट्रूप ही नहीं था, डांस ट्रूप मीन्स वो सिर्फ कॉम्पिटिशन तक सीमित था, प्रोफेशनल लेवल पे इससे अन कर सकते ऐसा किसी के माइंड में नहीं था। ओके। तो फिर मैं सोलो डांस करता था, मेरा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर शहर के कॉम्पिटिशन्स में जाने से सारे डांसर्स मेरे ये थे, तो फिर मैंने तय किया कुछ, उस समय जो अच्छे अच्छे ग्रुप्स थे वो टूट रहे थे,
मतलब किसी का ग्रुप में क्लैश हो गया, किसी की कुछ वजह से डांस एकेडमी बंद हो गई या कुछ हो गया, तो वो शहर के जो टॉप डांसर्स थे उन लोगों को मैंने एक जगह लाया और फिर मास्टर्स ग्रुप क्रिएट किया। मास्टर्स ग्रुप रखने का नाम कंपनी का एकेडमी का रखने का रीज़न ही वो था कि मेरे पास सारे मास्टर थे शहर के, राइट राइट राइट, जितने भी टॉप डांसर्स थे सारे के सारे अपने पास थे। तो फिर वो लोग मैं हम लोगों ने मिलके एक ग्रुप फॉर्म किया। उस समय अच्छे अच्छे गर्ल्स अरेंज किए, फिर उनके घर में पेरेंट्स से बात किए, क्योंकि उस समय तो परमिशन बहुत मुश्किल था, पहले के नहीं था। तो हम लोगों ने फिर डांस ग्रुप क्रिएट किया, फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट किया, फैशन शोज होते थे, कोई कॉरपोरेट इवेंट होता था, एक्सेप्ट गणपति दुर्गा देवी के जो जिस टाइप के रोड पे फंक्शन होते थे वो हमने कभी नहीं किया। हमने हमारा एक स्टेटस बना के उसको बहुत लंबे समय तक लेकर आए, तो उसमें फिर हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलने लगा कि बॉम्बे से होता ये था कि सारे डांसर्स को 3 टायर AC लगता था, राइट, फिर उनको टिकट कंफर्म नहीं होती थी उस समय, क्योंकि उस समय फ्लाइट कम ट्रेन का जर्नी ज़्यादा था, राइट राइट, तो फ्लाइट भी बहुत कॉस्टली था उस समय, तो फ्लाइट में बैठना बोलो तो एक सपना अलग था, ड्रीम था। तो ट्रेन की टिकट बहुत मुश्किल होती थी मिलने की, तो फिर कई बार आर्टिस्ट आते थे, हम लोग उनको जाके रिक्वेस्ट करते थे कि एक बार हमें आजमा के देखो। तो फिर उसमें सबसे पहले तो हम लोगों को वैशाली सामंत, उसके बाद मिलिंद इंगड़े, और उस समय एक पॉप स्टार थी मोहिनी सिंह, विभा शर्मा, ये उस समय के प्लेबैक सिंगर भी थे। उसके बाद फिर बड़ा ब्रेक हमें उदित नारायण जी ने दिया। उदित नारायण जी फिर हम लोगों को लाइट साउंड और डांस ऐसा एक पैकेज ही देते थे, अकोला से लेके छत्तीसगढ़ तक, पूरा अंबिकापुर तक, कहीं पे भी अगर उनका शो हो रहा है तो हम लोग रहते ही थे। फिर धीरे धीरे बॉलीवुड में पता चलने लगा कि डांस ट्रूप नागपुर में अवेलेबल है, तो क्यों हम लोग 700 किलोमीटर जर्नी करके डांसर्स ले जाए। तो वहाँ से फिर हम लोगों का कनेक्शन हो गया, नागपुर के लोगों को भी यकीन होने लगा कि ये लोग अच्छा हम करते। हाँ, हम लोग कर सकते हैं, हम करके दिखा चुके हैं। फिर थोड़ी दिक्कतें आने लगी थी हमको कि एज पर रिक्वायरमेंट बजट कम मिल रहा है, कॉस्ट्यूम्स नहीं मिल रहे, तो फिर हम लोगों ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना चालू किया। उस समय का जो ग्रुप था सब में डिवोशन था, 8-8 घंटे रिहर्सल करते थे, क्योंकि हम लोगों के लिए सेलिब्रिटी बोलो तो बहुत बड़ी बात होती थी, और हम लोग वो सेलिब्रिटी को वो जितना चाहता था उससे ज़्यादा आउटपुट देना चाहते थे। तो काम जम गया। फिर बड़े सिंगर्स में सोनू निगम, सुनिधि चौहान, फिर महेश कुकरेजा जी थे, उन्होंने एक बार शान को लाया था, जस्ट उनको फिल्म फेयर मिला था ओरे काची के लिए, अशोका फिल्म के लिए, तो उसके पीछे हमने किया, शान ने अप्रिशिएट किया हमारा ट्रूप को। अभिजीत भट्टाचार्य है, उनका हमने अमरावती में किया। फिर ऐसे करते करते जर्नी बहुत लंबी हो गई, और वो 8 से 10 साल तक हम लोगों ने ये किया। फिर बॉम्बे से डांस ट्रूप आना ही बंद हो गया, मतलब राइट, कि मतलब उसके बाद कभी तो आए ही नहीं आमतौर पर। अभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ वेडिंग में ही जनरली लोग डांस ट्रूप लाते हैं, नहीं तो वो भी हमारे नागपुर में ही मिल जाते हैं। Correct, और नागपुर के आर्टिस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, या आसपास विदर्भ के कई जिलों में और यहाँ से बाहर भी जाते हैं। उस बारे में भी मैं बताऊंगा कि यहाँ से कहाँ कहाँ जाते हैं। और एक समय हुआ करता था पहले, मैं कहूँगा 90s का वो दौर होगा जब मैं बहुत छोटा था, आप किसी भी सेलिब्रिटी में शोज़ में चले जाओ तो आपको मास्टर्स ग्रुप के बच्चे ही पीछे दिखते थे। जब भी कोई परफॉर्म कर रहा हो, अखबार हो, न्यूज़ चैनल हो, तो हर जगहों पर मास्टर्स ग्रुप के ही लोग आते थे। तो आज बहुत बड़ी बात बताई विजय जी ने, बहुत कम लोग जानते होंगे कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट के अलावा विजय जैन जी खुद एक डांसर भी थे। तो डांस तो फिर रुक गया, डांस ट्रूप बन गया, आर्टिस्ट मैनेजमेंट की तरफ आप कैसे बढ़े, और सबसे पहला वो कौन सा आर्टिस्ट था जिसको आपने मैनेज किया, खुद लाया, उसका सब कुछ आपने किया? देखो एक्चुअली जहाँ ग्रुप रिज्म होता है, और जहाँ जैसे कि अगर हम कहे कि हम जो शहर में रहते ये 100% प्रोफेशनल शहर नहीं है, राइट राइट, ये मतलब लाइक मुझे पेमेंट दो मैं काम करता मैं आगे जाता, तो
प्रोफेशनलिज्म मीन्स ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप एक ग्रुप से हो तो दूसरे ग्रुप में ना करो, बराबर। तो उस समय ये हम लोगों ने 8 से 10 साल तक तो कर लिया, उसके बाद फिर बच्चों को ऐसा लगा कि अपन ने मेहनत बहुत कर ली और अपने को अभी अन्न नहीं मिला, लेकिन वो थोड़ा सा उन लोगों में गलत फहमी हो गई थी। जितना स्ट्रगल करना था उस समय तक कर लिए थे, जब उनका टाइम आया मार्केट खुल गया और उन लोगों को अभी चांस था, बड़ा ब्रेक था कि अब हमें पैसे मिलेगा, उस समय वो सडनली एक एक दो दो करके थोड़े बिखर गए। रिलेशन सबसे अच्छे है, कोई ख़राब नहीं हुए, तो वो चीज़ धीरे धीरे टूटने लगी। तो फिर मैं भी कहीं ना कहीं अकेला पढ़ने लगा, फिर मेरे भी लाइबिलिटीज़ बढ़ने लगी, जिम्मेदारी बढ़ने लगी, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना था। और यही डांस ट्रूप के भरोसे मेरे बॉलीवुड में बहुत रिलेशन बन चुके थे, मतलब सारे सेलिब्रिटीज सिंगर से अच्छा टच हो गया था। तो फिर वो टच होने की वजह से मैंने एक दो बार गौर किया, उस समय मोबाइल नहीं थे, तो कोई भी बंदा बॉम्बे जाता था तो 10 दिन बाद ही रिटर्न आता था, राइट। तो मैं सोचता था ये 10 दिन क्यों लगा रहा है, फिर पता चलता था कि वो वाया 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 किसी के पहचान के थ्रू गया, यानी तीन तीन चार चार लोगों को कनेक्ट करके एक आर्टिस्ट के पास पहुँचता था, बराबर, एक आर्टिस्ट के पास पहुंचता था जब मोबाइल नहीं थे और सोशल मीडिया भी नहीं था, तो फटाफट कनेक्ट हो जाए इतना। तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरे पास तो है सब, मैं इनसे बात भी कर चुका, वो मुझ पे बिलीव भी करते, भरोसा करते। कई बार तो ऐसा होता था कि उदित नारायण जी आ रहे हैं और उनका, या कई आर्टिस्ट ऐसे हैं बॉम्बे के कि रायपुर जबलपुर कहीं भी शो हो तो उनका एडवांस भी मेरे पास में छोड़ कर जाते थे, क्यों ना मैं इसी को कंटिन्यू करूं और लोगों को जो बॉलीवुड कनेक्शन है, जिसको तकलीफ हो रही है, उसको इजी करूं। तो फिर मैं निकल पड़ा हो ही रहा पे, और फिर धीरे धीरे लोगों की रिक्वायरमेंट आई आर्टिस्ट की, फिर उन दोनों का कम्युनिकेशन करके, किसी का कम हो तो आर्टिस्ट से कम करा के उनके लेवल में ला के उनको करा के, ऐसे मैंने शोज शुरू किए। पहला आर्टिस्ट कौन सा था जिसको आपने मैनेज किया? मेरा पहला आर्टिस्ट था वैशाली सामंत। अच्छा, था वो किसके लिए बुलाया था आपने? वो हम लोगों ने एक नेटवर्किंग कंपनी थी, फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट, और टचवुड वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट शो था। और उस समय आज से 23 ईयर पहले उतना बड़ा स्टेज भी नहीं देखा मैंने उस दिन से आज तक नागपुर में, और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज बना हुआ था, मेरे 80 डांसर्स थे उसमें। अरे बाप रे। और इसके अलावा वैशाली सामंत थी, और वो शो में अबाउट 12,000 क्राउड था, तिरपुड़े कॉलेज में हुआ था। क्या बात है, क्या बात। तो कई सारे, बहुत बड़ा शो था वो। कई सारे आर्टिस्ट को आप मैनेज करते होंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके टैंट्रम्स झेलना, उनके रहने का, उनका खाने का, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम कौन सी होती है जो हर आर्टिस्ट के साथ होती ही होती है? नहीं, ऐसा किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले जो आर्टिस्ट आते थे आज से 10 साल पहले तक, वो बहुत हम्बल और काम के लिए काम करते थे, मतलब पैसे के लिए, तो वो थोड़ा 19-20 भी हुआ तो मैनेज कर लेते थे। और अभी जितने भी पिछले 10 साल से हो रहा है तो उनका एक प्रोफार्मा आ जाता है, वो कंप्लीट नहीं रहा तो थोड़ा सा होता है, अदरवाइज कुछ ये नहीं है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि अपने क्लाइंट ही इतने बड़े बड़े हैं, वो खुद ही बिजनेस क्लास नहीं घूमते, और आर्टिस्ट को 4-5 लाख रुपए के आर्टिस्ट भी बिजनेस क्लास मांग लेते, तब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो दोनों का कम्युनिकेशन करके कुछ करके वो करना पड़ता है। किन चीज़ों के लिए जनरली लोग आर्टिस्ट बुलाते हैं? कई सारे लोगों के जहन में सवाल आता है कि किस किस चीज़ के लिए, किस किस टाइप के इवेंट्स के लिए लोग आर्टिस्ट बुलाते हैं? बहुत सारे, मोस्टली तो शादियों में परफॉर्मर सिंगर्स की डिमांड होती है, परफॉर्मर एंकर्स की डिमांड होती है, और फिर कॉरपोरेट इवेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसमें मल्टी स्टार आते हैं, जैसे कि कॉमेडियन भी आ जाता है कॉरपोरेट शो में, सिंगर्स भी आ जाते हैं, और बॉलीवुड एक्टर भी आते हैं। बट बॉलीवुड एक्टर और सिंगर्स के काम ज़्यादा होते हैं
हम लोगों के इसमें आर्टिस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि सिंगर आता है तो पेमेंट कितना भी लो एटलीस्ट 90 मिनट अभी कमिटमेंट के हिसाब से उतना परफॉर्मेंस देता है right. और बॉलीवुड एक्टर आया तो वो आता है रिबन काटता है निकल जाता है, तो सिंगर्स डिमांड ज़्यादा होती है. कई सारे आर्टिस्ट को आपने मैनेज किया, तो एक आंकड़ा लगभग मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोगों को अब तक आपने मैनेज किया, और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ. फिलहाल तो यही जान ले दो कि अब तक कितने आर्टिस्ट मैनेज कर लिए. देखो मेरे लिए तो छोटा हो या बड़ा हो सारे आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही है, तो अबाउ 2500 के आसपास तो मैंने आर्टिस्ट लाए हैं. Love you, दीपिका. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर. क्या बात है, जब आर्टिस्ट को हम मैनेज करते हैं, मतलब आर्टिस्ट को लाना ले जाना करते हैं, उसकी केयर करते हैं, ऐसा करिए कि पूरा ध्यान रखते हैं उसका, जब वो हमारे सिटी में आता है हम उसे, तो रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. और जाते वक्त वो कोई ऐसी बात बोल के चले जाता है कि जो हमारे दिल को छू जाती है या जिंदगी भर हमारे जहन में जो है वो रहती है. तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके काम को अप्रिशिएट किया, आपको अप्रिशिएट किया, जिनको आपका काम अच्छा लगा हो? सबसे पहला नाम तो धर्म जी का लूँगा. धर्मेंद्र जी की मूवी आई थी यमला पगला दीवाना, उसका मैंने प्रमोशन किया था. और सनी जी के साथ मैंने दो बार ऑलरेडी काम किया था, तो सनी जी को ये पता था कि मैं धर्म जी का फ़ैन हूँ. उनको मैं जब भी जितनी बार मिला उतनी बार एक ही चीज़ बोला था कि सर मुझे सर से मिलना है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन जिस दिन मैंने लाया उस दिन सनी जी थे, गुरु बच्चन जी थे, धर्म जी थे और दो फीमेल एक्टर थी, तो इनको संभालते संभालते और क्राउड को मैनेज करते करते करते, करते मैं उन तक पहुंच ही नहीं पाया. मैं काम में ही था क्योंकि मुझे कॉन्फ्रेंस, कॉलेज विजिट, फिर पूरा शहर घुमा के उनको ये लेके आया. तो बस एयरपोर्ट जाने के एक घंटा पहले थोड़े रिलैक्स थे धर्म जी, तो सनी जी को मैंने बोला सर मेरे को मिलना है. ठीक है जा, बोले. मैं जैसे उनके पास गया तो बोले कौन है तू? धर्म जी. मैंने बोला सर विजय जैन. अरे तू तो मेरे को बहुत चाहता, बोले. और मैं देखो सुबह से देख रहा हूँ कि तू काम किए जा रहा, और सनी तेरे बारे में 2-3 बार बताया कि तेरे को मिलना है मिलना है, फिर तू सुबह से अभी क्यों आया? मैंने बोला सर अपनी पिक्चर है, उसका काम ज़रूरी था, और आप तो मतलब मैं कभी भी मिल सकता था. तो जैसे धर्म जी ने गले में हाथ डाला मैं रो भी दिया, और उन्होंने उसी समय प्रोडक्शन में फ़ोन करके, मैंने वो मूवी में कुछ भी नहीं किया लेकिन टाइटल में मेरा नाम डाल दिया. क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है. और ऐसे कई सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस जो है वो भी हम आपको बताएंगे, जो खास विजय जी के लिए उन लोगों ने दिए हैं. कई बार बुरे एक्सपीरियंसेस भी आते हैं क्लाइंट के हो या आर्टिस्ट के हो. क्लाइंट के तो कभी नहीं आए, टचवुड. कभी क्लाइंट ने 5 पैसा नहीं रोका, कभी ये नहीं हुआ. और पता नहीं माता रानी की बहुत सारे, माता रानी की तो कृपा है ही है ही. लेकिन जितने भी क्लाइंट मिले कभी मुझे उस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ. हो सकता है मेरे से कम्युनिकेशन में कभी 19 हो गया, लेकिन ना मैं उनको कंप्लेंट जाने देता हूँ मोस्टली कि मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा, वो हैंडल नहीं हो रहा.
बट 99% मैं दोनों का कॉम्बिनेशन खुद ही एडजस्ट करके अपने ऊपर लेके। कभी किसी आर्टिस्ट की तरफ से ऐसा हुआ कि थोड़ा ऐसा लगे यार, थोड़ा हुआ है ऐसा, अभी नाम नहीं बोल सकता आर्टिस्ट का नाम नहीं, फिर किस्सा तो शेयर कर, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट है, उन्होंने लिख कर दे दिया था। एक मेरा बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था नागपुर में ही, बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े सिंगर थे, उन्होंने मुझे गाड़ी लिख कर दिया था कोई तो भी मर्सिडीज की। अब वो मर्सिडीज नागपुर में अवेलेबल नहीं थी बराबर, बट फिर वो रायपुर से टाइम पे कोऑर्डिनेट करके उसको खाली पिकअप ड्रॉप के लिए 60,000 पे करके वो गाड़ी मंगाने पड़े। तो मेरे लाइफ में वो मेरे लिए सबसे बुरा अनुभव रहा है, अनुभव रहा कि खाली पिकअप ड्रॉप के लिए मुझे मेरे क्लाइंट से 60,000 लेने पड़े। हालांकि क्लाइंट बोला कि लाख रुपए की भी होगी तो लेकर आना, बट नेसेसरी खर्चा हो रहा, वो मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरा काम करने का इंटेंशन ही ये रहता है कि उसको 5 गुना ज़्यादा कैसे मैं रिप्लेस करूँ क्लाइंट को। मैंने देखा है जब भी आप इवेंट रहते हैं तो बड़े मतलब एग्रेसिव रहते हैं या फिर बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि तकरीबन ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100 का भी क्राउड रहता होगा, 10,000 का भी रहता है 20 बार, तो उस वक्त मैनेज कैसे कर लेते हैं? क्योंकि आपके ऊपर उस बंदे की जिम्मेदारी होती है जिससे हर कोई मिलना चाहता है, क्राउड उसको देखने के लिए आए, तो ऐसे वक्त खुद को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे संभालते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आप अकेले इंसान होते हैं, बैठो तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो, निकलो तो निकलो, कैसे मैनेज करते हैं फिर? नहीं देखो, आर्टिस्ट को जो चाहिए वो देने के बाद आर्टिस्ट अपनी सुनता है और वो सुनने की वजह से मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, और रोज़ एक ही काम करने से थोड़ा सा पता चल जाता है कि जैसा कई आर्टिस्ट है जो उसको 11 का टाइम दिया तो 12 बजे ही निकलेगा, तो मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट पे वर्कआउट कर लेता पहले ही कैसा कि है? ये आर्टिस्ट क्या है, थोड़ा लेजी है क्या, लेट करता है क्या, कुछ करता है क्या, क्योंकि दिक्कत मेरे लिए वो है कि जितना बड़ा आर्टिस्ट है उतने बड़े मेरे क्लाइंट है। राइट राइट, इसीलिए कई लोग लेट उठते तो ये नहीं कर सकता कि मेरे क्लाइंट 1 घंटा वेट कर रहे मेरे आर्टिस्ट के लिए, और उन्होंने मुझे काम दिया है, मुझे आर्टिस्ट ने नहीं दिया है बराबर, आर्टिस्ट मेरे लिए काम कर रहा है, तो मुझे वो वही टाइम पे उसको कैसे पहुंचाना है ये मेरा है, और वही मैंने अक्सर निभाया, इसलिए शहर के ऑलमोस्ट सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं और मुझे लाइक करते हैं। कई सारे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स आपने करे हैं तो जिसमें आप खुद परफॉर्मर सिंगर्स या फिर आर्टिस्ट लेकर आते हैं, तो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस बताइए, और मैं चाहूँगा उसके साइमल्टेनियसली कोई बुरा एक्सपीरियंस भी आया हो कॉन्सर्ट के दौरान तो वो भी बताइए, जो ऑडियंस की तरफ से आया हो। मतलब पब्लिक जो है ना वो इतनी दीवानी होती है किसी आर्टिस्ट की कि अपने को संभालना मुश्किल हो जाता है उसको। करेक्ट है, वैसे तो नागपुर में सबसे पहला जो यशवंत स्टेडियम में उदित नारायण शो हुआ, आई थिंक वो, और अभी जो खासदार महोत्सव में जुबिन नोटियाल हुआ, वैसे शो नागपुर में कभी नहीं हुआ। मतलब वो शो में इतना क्राउड था, स्टेडियम दोनों टाइम पैक था, बट मुझे नहीं लगता कि उस दिन नागपुर शहर में एक भी चेयर तोड़े होंगे किसी ने, एकदम डिसिप्लिन्ड तरीके से, डिसिप्लिन्ड, नुकसान ही नहीं होगा कोई डेकोरेटर का, नहीं तो अदरवाइज चेयर हर बार बैनर फट जाए। हाँ, लोग बदतमीजी करते हैं पीछे साइड के कि वो पूरा चेयर का डिग लगा देते हैं, एक के ऊपर एक बैठ के ये करते, बट ये दोनों शो में तो नहीं हुआ, दोनों में भी अबाउ 12,000-15,000 क्राउड था। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कैसा लगता है जब पता चलता है विजय जैन का भी नाम आता है, आर्टिस्ट का तो नाम आता है एक अलग नाम से, मैंने कहा ना ऐसा कोई नहीं होगा नागपुर में जो विजय, तब कैसा लगता है अंदर से, कैसा लगता है? सर जीरो से यहाँ तक आया हूँ, जीरो से यहाँ तक आया तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना ये लाइन लंबा में और इतना अच्छा आ जाऊँगा और यहाँ तक, और अभी तक मुझे यकीन भी नहीं होता, लेकिन शहर के कुछ ऐसे आइकॉन हैं कि जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और आज भी वो मुझे प्रमोट भी करते हैं, काम भी देते हैं, और खुद का रहा तो भी मुझे ये करते हैं, और मुझे उनका काम आया तो सबसे ज़्यादा टेंशन आता है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आजकल आर्टिस्ट मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, सफ़र उनको बड़ा आसान लगता है, लेकिन आपको पता है ये जर्नी बड़ी लंबी रही है, तो ऐसे बच्चों से क्या कहना चाहिए? देखो अभी तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही हो रहा है, हर कोई इवेंट मैनेजमेंट का कार्ड लेके घूम रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कि जो हमको उस डिसिप्लिन के अंदर, उस प्रोटोकॉल के अंदर वो करना ही ज़रूरी है, अदरवाइज
एक बार शहर का नाम खराब हो गया तो दोबारा मुश्किल हो जाता है। बहुत फास्ट है हर चीज़ों में, तो वहाँ का कोई भी आर्टिस्ट किसी पे भरोसा नहीं करता। अब पता नहीं, मैंने तो बहुत जमा के रखा, इसलिए कई बार बहुत से लोग बिना पेमेंट के भी यहाँ पे आने के बाद कर लेते हैं। बट जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत संभल के और अच्छे से करें। ये कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट आपके लिए क्या है, आपकी लाइफ में आर्टिस्ट मैनेजमेंट की अहमियत क्या है? अहमियत क्या है मेरे लिए? बहुत रिस्पेक्ट वाला काम है, और मैं चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं उसको, कि जिन्होंने मुझे नागपुर से पूरा इंडिया और टचवुड इंडिया के बाहर भी 5-6 बार मैं आर्टिस्ट भेज चुका हूँ, और शायद नवंबर में नेक्स्ट 12 फेब को मेरा लंदन में वापस से एक शो होगा। इसके पहले एक हुआ था, अभी वापस हो रहा है, मैं गया नहीं हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और मुझे हर शो में जब तक मैं पूरा काम खुद ना करूँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि तेरा इतना बड़ा काम है तू रखता किसी को साथ में क्यों नहीं, लेकिन पता नहीं मेरे को खुद पे भी भरोसा नहीं। मैंने भी कई बार विजय जी को कहा कि किसी को रखते क्यों नहीं, अकेला ही सब मैनेज कर लेते। लेकिन टीम अच्छी है और सब कमिटेड लोग रखते हैं, बिल्कुल इसकी वजह से टीम की जरूरत नहीं पड़ती। 2500 से ज़्यादा लोगों को के साथ आप काम कर चुके, अगर मैं बोलूँगा कौन से वो 5 लोग हैं जो आपके बड़े फेवरेट है, जिनको लाना ले जाना है, या फिर उनको जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते होंगे या फिर जिनके साथ ज़्यादा, तो ऐसे 5 नाम कौन से अगर पूछा जाए तो? थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है फिर भी। ममता शर्मा, रूपाली गांगुली जिसका अभी अर्नापुर एक शो आ रहा है, बहुत राइट, अच्छा राइट। शो है, मुझे भी अभी पता चला और उसका क्रेज भी अच्छा ज़्यादा हो गया। वो है उदित नारायण जी है, उसके बाद में जुबिन नौटियाल की टीम बहुत अच्छी है, डाउन टू अर्थ, हम्बल, एकदम हम्बल, जितने लेवल पे उनका नाम गया है सब उनकी टीम की मेहनत है, तो वो टीम मतलब ऐसा परेशान नहीं कर पाई करती है किसी को, बहुत अच्छी टीम है, बस उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलिंद गाबा की अच्छी टीम है, जॉनी भाई की टीम अच्छी है, तो ये लोगों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता। उदित नारायण जी स्पेशली, क्योंकि पता नहीं मेरे लाइफ का आपकी उनके साथ एक लंबा जर्नी उन्हीं के साथ निकला है मेरा। मैंने उनके साथ शायद 10-12-15 शो किए और तब मुझे ज़रूरत थी तब उनके साथ मैंने शोज किए। क्या बात है, तो एक अनोखे इंसान की एक अनोखी जर्नी हमने जानी। वैसे आमतौर पर हमारे इस शो में कलाकार ही हम बुलाते हैं, लेकिन आज उस इंसान को हमने हमारे इस शो में बुलाया था जो कलाकारों को प्रमोट करता है, उनके लिए काम करता है। आशा करते हैं कि विजय जैन जी की ये कहानी सुनकर आप लोग भी प्रेरित हुए होंगे, अगर और आपको इस क्षेत्र में आना है तो कितना मुश्किल रास्ता है वो भी आप लोग जान गए होंगे। तो विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी 2022 में आपकी लंदन में वेडिंग है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है। अच्छा, कॉर्पोरेट शो? कॉर्पोरेट शो, पब्लिक शो है, ओके, वो हर साल करते हैं, तो टिकटेड शो है। तो क्या बात है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस और बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही काम करते रहिए। आप जैसे ही लोग हमारे नागपुर शहर को मुंबई तक पहुंचाते हैं और मुंबई के लोगों को यहाँ तक लाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के इस शो में बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ, लेकिन आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे खास बात, अगर आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और विजय जी को कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हम लोग GTPL और ACN केबल नेटवर्क दोनों पर दिखते हैं, GTPL पर 470 पर और ACN पर 97 पर। आशा करते हैं हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद। देसी कलाकार।